Hey guys, good morning, welcome back to my new blog. मेरा नाम है सचिन और आप सभी का guys फिर से मेरे एक नए blog में स्वागत है। तो guys जैसे आपको बताया था कि सुबह 9 बजे निकलेंगे, लेकिन वीडियो अपलोड करते करते लेट हो ही जाता है। फिर भी हम लोग निकलेंगे, डेली ब्लॉग बनाएंगे, डेली काम पे जाएंगे और जो भी अर्निंग आप लोगों को दिखाएंगे guys। तो guys अभी सुबह के बज रहे, आप देख सकते हो घड़ी के अंदर 11:20, मतलब 11:15 बज रहे। तो भी देखेंगे जो भी अर्निंग सोचा हमने उससे ज्यादा अर्निंग करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो करते आज के ब्लॉग को स्टार्ट, क्योंकि मुझे उबेर की तरफ से आया बुकिंग। मुझे उबेर के जो है 12 जो ट्रिप उसको कंप्लीट करना है, तो 3 ट्रिप मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी देखते हैं जो बाकी के ट्रिप्स को कंप्लीट करते और जो 300 रुपया उबेर का प्रमोशन उसको ले लेते। तो गाइस बने रहे ब्लॉग में, वीडियो को देखें एंड तक, और चैनल पे नहीं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर किसी भाई को अगर मुझसे बात करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलो गाइस करते आज के वीडियो को। जैसे ऑनलाइन आया वैसे 2 ट्रिप मुझे उबेर के कंप्लीट ताबड़तोड़ मुझे मिले। पहला ट्रिप पहले ही मिला मुझे 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस का, जिसका मुझे अर्निंग हुआ 128। और उसके बाद में गाइस मुझे मिला 22 किलोमीटर पनवेल का, जो यहाँ पे मैं अभी आया, पैसेंजर को ड्रॉप किया पनवेल में, और पनवेल का लगभग मुझे 288 रुपीज़ मुझे पनवेल का ट्रिप का अर्निंग हुआ। तो मुझे तो लगता है कि गाइज उबेर और ओला के जो अर्निंग से काफ़ी अच्छे बेहतर बढ़ा है। अभी पता नहीं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि अर्निंग वही है, तो बट मुझे तो नहीं समझता। मैं जितना तक कि मुझे पता है, पिछले 2 साल से मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं भी ओला उबेर में काम कर रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेट्स बढ़े करके 10 रुपये पर किलोमीटर का। आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो पर किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से ज़्यादा ही मिलता है। मेरा मिनी कार है, हैचबैक कार है, तो मुझे जितना पता है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 साल पहले मैं अगर 20 किलोमीटर भी गाड़ी चलता तो मुझे 160-170 रुपये मुझे मिलता था। आज भी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड, आप चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं रेट वही है, पता नहीं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, और मैंने तो हर वीडियो में प्रूफ के साथ नहीं बताया, आप चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। आज से 1 साल पहले, 8 महीने पहले, तो मुझे 14-15 किलोमीटर का भी मुझे 130-120 रुपये ऐसे मिलता था। बट अभी के डेट में मैं देखता हूँ कि हर ट्रिप का मुझे 10 पर किलोमीटर के 10 रुपये रेट से ज़्यादा ही मुझे अर्निंग मिलता है। ठीक है, तो अभी गाइस मैं जस्ट यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया, लगभग 500 रुपये का अर्निंग मेरा हो गया। अभी आपको मैं जा रहा हूँ मैं कामोटे में, जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सचिन भाई ये फ़ैन कैसे आप लोगों ने फिट किया है, क्या है करके। तो हमारे जो ग्रुप में जो सचिन भाई है, उनका भी नाम सचिन है, पेशे से इंजीनियर है, बट उनका कलाकारी काफ़ी लोगों को ये फ़ैन उन्होंने लगा के दिया। तो अभी मुझे जस्ट उनका सुबह मुझे फ़ोन आया था कि हमारे जो ग्रुप में एमसीन भाई, उनका फ़ैन गाड़ी में लगाना है। तो मैंने बोला ठीक है चलो साथ में मैं भी आ जाता हूँ और उनका वीडियो भी शूट करता हूँ, ताकि पता चले बाकी लोगों को भी कि किस तरीके से यहाँ पे, मतलब अभी उनका तो सेडन कार है, स्विफ्ट है, बट वही प्रोसीजर है क्या है वो भी आप लोगों को बता दूंगा। सिमिलर मतलब हर गाड़ी में वैसे ही लगता है, तो किस तरीके से लगाते भाई अभी वहाँ पर हम लोग का वेट कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे अभी जस्ट पहुँचो कामोटे में, तो वहाँ पर मिल के देखते हैं उनका और किस तरीके से फिट होते हैं, और आपको उसका एक अलग से वीडियो गाइज मिल जाएगा। इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो इसका वीडियो इसके अपलोड होने के बाद ही गाइज वो आपको वीडियो मिल जाएगा कि किस तरीके से फ़ैन प्रॉपर तरीके से उसको फिट किया है। और काफ़ी फर्क गिरता है गाइज, सच में बहुत काफ़ी फर्क गिरता है, जितना तक कि मुझे अभी लग रहा है जो गर्मी का सीज़न है अभी। ठीक है, तो चलते हैं अभी, मिलते हैं वहीं पर। ठीक है, तो 2 ट्रिप कम्प्लीट हो गया, देखते हैं सैटरडे, सैटरडे को बिजनेस तो होगा ही होगा, तो मिलते हैं गाइज थोड़ी देर के बाद में। 3 hours later हे गाइस माफ़ी चाहता हूँ, दोपहर से वीडियो बनाने को टाइम ही नहीं मिला। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग गए थे, एक हमारे जो भाई है एमसीन भाई, उनका जो गाड़ी के अंदर हम लोग फ़ैन लगाने गए थे, मतलब 3-4 लोग वहाँ पे थे हम लोग, मतलब मिले वहाँ पे, बात की ढेर सारी। और जो एमसीन भाई की जो गाड़ी में फ़ैन लगाया था, बाद में जो हैंडसेट के यहाँ पे लगाया था, वो दोनों चीज़ों को वहाँ पे फिट किया। और काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सचिन भाई का फ़ैन के बारे में वीडियो बना, इसलिए वीडियो बनाने टाइम लग गया। और वहाँ पे हम लोग काफ़ी देर टाइम हो गया, वापस वहाँ से मुझे मैंने ट्रिप को ऑन कर दिया। मुझे पहले ही ट्रिप लगा था उल्लासनगर का, जो कलमबुली से कामोटे से, इतना गाइस ट्रैफिक बता रहे कि पूछो मत, मतलब लिटरली यहाँ पे उल्लासनगर पहुँचते पहुँचते मुझे लग गया गाइस 8 बजे, मतलब 6:30 बजे हम लोग निकले थे वहाँ से, तो यहाँ पे आते थे लगभग 8:15 बज गए। और पैसेंजर का बिल कुछ तो हुआ था 700 रुपये, तो पैसेंजर ने सामने से मुझे 200 रुपया एक्स्ट्रा दिया, टिप मुझे दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि उनको खुद को पता चल गया कि काफ़ी टाइम लग गया करके। और मतलब काफ़ी देर हम लोग से बात हुई, मतलब अच्छे थे, बैंक में काम करते, अच्छे पोस्ट पर थे, तो उनको जाना था, तो उनसे काफ़ी देर बात हुई, तो उनको भी मेरा नेचर अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी, तो उन्होंने सामने से गाइस मुझे 700 रुपया और ऊपर से 200 रुपये का टिप मुझे दिया, मतलब टोटल 900 रुपीज़ मुझे पेमेंट किया। और मेरा नंबर भी लिया उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि कहीं पे भी कभी भी अगर मतलब ट्रिप मतलब कहीं पे जाना होगा तो सचिन भाई आपको 100% हम लोग आपको फ़ोन करेंगे। ठीक है,
तो वहाँ से गाइज मैं निकल गया घर पे, क्योंकि मुझे और एक काम था, तो काम मुझे करना था, तो उसके लिए गाइज वहाँ से मैं निकल गया। और अब भी जस्ट आके यहाँ पे घर पे पहुँचा, और मतलब काफ़ी दिन आज मतलब निकला था अर्निंग करने के लिए। मतलब सुबह मैंने लगभग 500 रुपये का अर्निंग किया होगा, और ये जो अर्निंग मतलब मेरा जो अर्निंग है ओला के अंदर 700 रुपये, मतलब 500 रुपये ओला ने मुझे दिया, 700 रुपये ओला का बिल बताया था, और पैसेंजर ने एक्स्ट्रा मुझे 200 दिया, मतलब लगभग 1200 रुपये का अर्निंग मैंने आज के दिन में किया। और जो वीडियो था, वीडियो भाई का बनाना जरूरी था, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और ये जो वीडियो होगा जो फैन का, वो इसके बाद में आएगा मतलब। और आज बुकिंग अच्छा था, काफ़ी अच्छा था बुकिंग, सर्च में बार बार बता रहा था, लेकिन काफ़ी सारे जो वीडियो पेंडिंग में मुझे काफ़ी लोग ने बोला कि सच में डिजायर के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ, आर्टिकल भी वीडियो बनाओ, तो सब सारे वीडियो भी बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, अपने काम के साथ में कहीं ना कहीं हमको टाइम भी देना पड़ेगा। तो जो भी जैसे भी एडजस्ट होता है वैसे उस टाइम को देख के वो आगे के हम आगे का हम गाइज काम करते रहेंगे, ठीक है। तो बस गाइज आज का वीडियो में यही पेंट कर, तो लगभग मेरा 1200 रुपये का अर्निंग हो गया। और कल सुबह सोचो कि अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलो, जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया है, सचिन J25, तो आप भी फॉलो कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक। तो बस गाइज अभी निकलते हैं घर पे, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।